दोस्तों आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा एक दिन सब पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, और परसों वही जवान होगा, और फिर बुढ़ापा आएगा। इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। यह नहीं है कि कोई व्यक्ति धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। यह भी नहीं है कि कोई बहादुर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बलशाली हो या ज्ञानी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आएगा। इसलिए इस जानकारी को सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ देते हैं। चलिए कहानी इस प्रकार है। किसी जंगल में एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे। पूरे जंगल के पक्षी उस वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी स्थान था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा और जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उसकी डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी तो वहाँ रहने वाले सारे पक्षी उसे छोड़कर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहाँ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेले कैसे चला जाऊँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर नहीं गए। जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तब भी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था। जब तुम्हारे माता पिता ने किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा की थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले नहीं खाई। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या तुम्हें मुझसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन सको। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया और उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में वह गिद्ध थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन ढूंढ लेता था और शाम होने पर उस सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका
अभी भी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास जाएं और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लें। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्होंने अपने साथ चलने का आग्रह किया। गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरे के साथ में मरना समझदारी नहीं है। कहते हैं वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ परिवार का पालन पोषण हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो चुका है, दीमक इसे पूरी तरह से खा चुकी है। किसी दिन तेज हवा के झोंकों से यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इसका समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। समस्त पक्षियों के समझाने पर भी गिद्ध वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्ति सेवा करना चाहिए। जो कहता हो कि मैं आपका ही हूं, उन्हें संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो उन्हें संकट में छोड़कर जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना बड़ा अपराध है। ऐसे संतानों को कभी मनुष्य के रूप में जन्म भी नहीं मिलता है। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर लौट कर चले गए। कुछ ने कहा कि गिद्ध के साथ साथ उसकी बुद्धि भी चली गई है, इसलिए उसे हमारी समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी फिर से उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने फिर से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए और इंद्र के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बात बताई कि हे भगवान, हमारे जंगल में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है, पूरा जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं, जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि एक बूढ़ा गिद्ध सूखे बरगद पर अभी भी रह रहा है, वह छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि मरते दम तक वह इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, आप स्वयं चलकर उसे समझाइए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दर्शक बंधुओं, पक्षियों के निवेदन को स्वीकार कर इंद्र ने उन पक्षियों के साथ जाकर बूढ़े गिद्ध को समझाया। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है, इसकी डालियाँ सूख कर गिर चुकी है, इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है, और आप फिर भी इतने बूढ़े हो चुके हो, किसी दिन यह वृक्ष गिर जाएगा तो आपकी बेकार में मौत हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शक बंधु, इंद्र की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध ने कहा, भगवान, एक बात बताइए मुझे, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग को चले गए थे। मैं जब से था इसी वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष की छाँव में पाए हैं। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर और गरीबी में अपने बंधु बांधवों को साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक
आखिरी सांस तक अपने माता पिता और इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, आप इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह वृक्ष हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उसे वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिए, सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वो फिर से पुनः जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरव करने लगे, सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करने लगे, उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर पालन पोषण करने वाले उस पिता का जो आपके जीवन दाता हैं, जो आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बनोगे तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दर्शक बंधुओं, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।